जिस्म फरोशी का इल्जाम लगाकर सीरियल किलर ने किया भाई भाभी और सौतेली भतीजी का लर्जा खेज कत्ल। कॉल मुल्जम की रजिया बीबी जुराइम पेशा टाइप थी। अब ये मकान से उसने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको निकाल दिया। अब इनकी जो दिलचस्पी थी वो उस मकान में सबकी थी। कत्ल घर की वजह से, ये मेन वजह। 2.5 साल तक फरार रहने वाला सीरियल किलर कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया? तो मुखबर ने भी मदद की है, उसके अलावा जो हम IT से इंफॉर्मेशन लेते हैं उनके भी काम किया है, तो पकड़ा गया। 2009 में शहरी का कत्ल, 7 साल तक जेल भुगतने वाला जाहिर कैसे अपनों के खून का प्यासा बन गया? पहला कत्ल 2009 में किया था जी। भाई को, उसकी बीवी को और भतीजी, इन्हें कत्ल क्यों किया? सर उस दिन मैं अपने घर गया हूँ उसके भाई को ही समझाने के लिए, जो तुम काम कर रहे हो ये भी ठीक नहीं है। अभी मैंने इतनी बात की तो उन्होंने मुझे मारना शुरू किया, उसी हाथापाई के चक्कर में वो पिस्टल निकला और मेरे से वो चल गया। सफा किया गायना क्यों दिखाया? सीरियल किलर हुआ एंकर पर सीख पा। कत्ल होता है कसदन किया जाए, वो कत्ल होता है। तुमने कत्ल नहीं किया, आराम से बात करो। सर वो आराम से बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डारू। लाहौर पुलिस ने अभी एक सीरियल किलर इश्तिहारी गिरफ्तार किया है। इसने 2020 में अपने भाई भाभी और भतीजी को कत्ल किया। दौरान तफ्तीश एक इंकशाफ हुआ कि ये मुल्ज़म 2009 में भी एक कत्ल कर चुका है और बहुत सारी इस पर वारदातें हैं। ये सीरियल किलर कौन है, कब से और कहां पे वारदातें कर रहा था, बहुत सारे इंकशाफात होंगे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ। मुआशरे में लालच, अदम बर्दाश्त और इंतकाम संगीन हद तक बढ़ चुका है। मुआशरे में तेजी से फैलती ये बुराइयां खूनी रिश्तों को भी अपनी लपेट में ले चुकी। 5 माह कबल हमने आपको एक दिलखराश वाकया दिखाया था, जब आदी मुजरिम ने जायदाद के लालच में अपने बेटे के साथ मिलकर भाई भाभी और 1.5 माह की भतीजी को मौत के घाट उतारा था। आज का केस भी खानदानी रिश्तों में लालच, अदम बर्दाश्त का शाखसाना है, जिसमें मुजरिम ने सगे भाई भाभी और भाई की सौतेली बेटी को गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ कत्ल किया। मुलजिम 2020 में कत्ल की लर्जा खेज वारदात अंजाम देने के बाद 2.5 साल तक फरार रहा। पुलिस इस संगीन कत्ल में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई? इस दिल दहला देने वाले कत्ल पर पुलिस अपनी इब्तदाई तफ्तीश में क्या कहती है? अच्छा जी, एक मुलज़िम जो गुज़श्ता 2 साल और 5 माह से इश्तिहारी था और ये ट्रिपल मर्डर का मफरूर इश्तिहारी था, इसने अपने भाई को, अपनी भाभी को और उसकी एक सौतेली बेटी थी भाई की, उसे कत्ल किया था। ये अपेरेंटली कहा जा रहा है कि जायदाद का तनाज़ा था। ये मामला क्या है? 2.5 साल तक ये मुलज़िम पुलिस से कहाँ पर छुपा रहा, ये पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा और 2.5 साल बाद अब पुलिस के हाथ कैसे लग गया? वकुआ क्या है? क्या ये जायदाद का तनाज़ा है या मामला कुछ और है? ये सब पूछेंगे। मेरे साथ SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन मौजूद हैं, आफ्ताब अहमद भुलरवान, बड़े काबिल ऑफिसर हैं। और अभी ऑफ द रिकॉर्ड मुलज़िम से बात हो रही थी तो जिस अंदाज में ये तफ्तीश कर रहे थे, शायद मैंने इससे पहले किसी अफसर को किसी मुलज़िम से और 302 के मुलज़िम से, वो भी ट्रिपल मर्डर के मुलज़िम से, इतनी नफासत से बात करते हुए नहीं देखा। तो ये इनका एक क्रेडिट है जो कि इन्हें मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका पुलरवान साहब। वकुए की तरफ सबसे पहले आते हैं, ये 2.5 साल पुराना वकुआ है, आपके पोस्टिंग हुई है तब, ये क्या रिकॉर्ड पे क्या बात है, FIR क्या दर्ज हुई थी और असल मामला था क्या, हुआ क्या था? जी मैं आपको बताता हूँ, चूँकि इस वक्त CCPO साहब लाहौर, जनाब गुलाम महमूद टोकर एडिशनल IG साहब, जो हमारे DAG साहब इन्वेस्टिगेशन है अतर इस्माइल साहब और SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब, ये पूरी चेन ऑफ कमांड की हमें हदायत हैं पूरे इन्वेस्टिगेशन विंग को, के जो भी पुराने इश्तहारी हैं कैटेगरी ए के या कैटेगरी बी के, आप उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए। बिल्कुल ठीक। तो इस मुलज़िम की जो गिरफ्तारी है वो उसी ही बैकग्राउंड और पस मंज़र में की गई है, क्योंकि जब एक मुलज़िम गिरफ्तार नहीं होता, इश्तिहारी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो क्राइम की जो चेन है वो टूटी नहीं है, वो चलती रहेगी, जिसके लिए पुलिस फिर बड़ी कोशिश करती है और मुजरमान इश्तिहारी को, जो संगीन मुलज़िम जुराइम में मुलव्वस हों, उनको गिरफ़्तार करने के लिए तमाम वसाइल पुरवे कर लाए जाते हैं। ये केस
जो थाना बागबानपुरा का मार्च 2020 में दर्ज हुआ। अशफाक अहमद मकतूला का भाई था, उसकी मुदैयत में दर्ज हुआ और ये इसमें दो मुल्ज़मान थे। तीन कत्ल हुए, जो एक जो मकतूल था वो कातिल का सगा भाई, एक उसकी भाभी और एक उसकी सौतेली जो भतीजी थी। वो सौतेली से मुराद ये कि जो मकतूला है ये उसकी पिछली शादी से, ठीक है, और ये मकतूला की दूसरी शादी थी इसके भाई के साथ। ये मकतूला की दूसरी शादी थी, ठीक है, ठीक है। अब वकुआ क्या है, मामला क्या हुआ था, घर के अंदर हुआ, घर में कौन कौन मौजूद था? तीन लोग तो कत्ल हो गए जो उस घर में थे, इस कातिल के अलावा भी कोई और घर में मौजूद था? वो कहते हैं ना, हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। ये इसका पूरा बैकग्राउंड है इस ट्रिपल मर्डर का, ये वक्ती इश्तेआल के तहत नहीं बस हुआ। ये गिरे जरा खोलें आहिस्ता, ये बैकग्राउंड है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि ये नहीं हुआ कि ये गया और इसने गोलियां मारी और बंदा मर गया, नहीं। बात ये है कि भाई जो था वो इनके मौरूसी मकान में रह रहा था, ठीक है, उसने एक शादी कर ली जो मकतूला है उससे, रजिया बीबी, ठीक है। अब रजिया बीबी के साथ पिछली शादी से एक बेटी भी आ गई, ठीक है। रजिया बीबी बकौल जो मुलजम है कि झगड़ालू तबीयत की खातून थी, ठीक है, झगड़ा कर लेना, झगड़ा करके थाने चला जाना, थाने जाके फिर सच्चा हो जाना, इनको झूठा कर देना। तो उसने सबसे पहले झगड़ा किससे करती थी? भाइयों से, अपने ससुरालियों से, अपने ससुरालियों से। उसके किस नौयत का झगड़ा होता था? झगड़ा थाने जाती थी जी, एप्लीकेशन देती थी, सबसे पहले हरासमेंट, देवरों के खिलाफ हरासमेंट, हरासमेंट की, कपड़े फाड़ लिए, कपड़े फाड़ लिए कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ये घरेलू खातून थी बकौल मुलजम के, क्योंकि ये आगे तो तफ्तीश का हिस्सा है कि उसका बैकग्राउंड कैसा था। तो इसके ख्याल में ये कि वो जुराइम पेशा टाइप थी, मुलजम का बयान है। नाजरीन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुलजिम का ये बयान सामने आया कि मकतूला रजिया बीबी धोखे से मकान पर कब्जा करना चाहती थी। इस मकसद के लिए मकतूला ने मुलजिम समेत ससुरालियों पर कई मुकदमात दर्ज करवाए। मुलजिम ने मकतूलीन पर मजीद कौन से घिनौने इल्जामात लगाए, मुलजिम के तमाम बयानात में कितनी सदाकत थी, पुलिस अपनी तहकीकात में कत्ल की असल वजह क्या सामने लाई, ये जानते हैं। क्योंकि ये अभी तक लग रहा है कि ये बेस है, मकान का मामला भी आया तो मुदईयों से कोई चेक किया गया काउंटर या उस इलाके से आपकी टीम ने चेक किया कि क्या ऐसा मामला था जी? मैं ये जिस्म फरोशी करती थी, क्योंकि मुलजिम तो ये कहता है कि बुनियाद ये बनी है, और हम जो बार बार जाते थे घर पे अपने भाई के समझाने के लिए, भाई को भी और भाभी को भी, सबसे पहले तो वो ना उसे भाभी मानता है, वो कहता है कि इन दोनों ने निकाह ही नहीं किया हुआ, बगैर निकाह के रह रही है जी, उसके वो, साथ वो ये कहता तो है। कोई अहले इलाका से या फैमिली से ये चेक किया गया है कि जी वाकई ये मामला था जिस फरोशी करती थी? मैं उसमें एक तो आपको ये अर्ज कर दूं कि चूंकि ये मामला कैंट डिवीजन, ठीक है, थाना बागबानपुरा का है, ठीक है, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज समनाबाद का क्रेडिट है कि उसने इस मुलजम को गिरफ्तार किया है, ठीक है, तो जो केस बागबानपुरा का केस बागबान पकड़ा समनाबाद समनाबाद वालों ने, तो फिर हमने बागबानपुरा के हैंडओवर कर दिया है जी, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं एक जो पुलिस का हमारा माइंड होता है, अब ये मकान से उसने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको निकाल दिया, बाकी भाइयों को निकाल दिया। अब वहाँ पे उसने खुद रहने लगी अपने खावंद के साथ जो कि कातिल का छोटा भाई है। ये बड़ी हैरान कुन बात नहीं है कि ये भाई भी छोटा है जी, ठीक है, बड़े भाइयों को सबको आहिस्ता आहिस्ता घर से निकाल दिया, बात समझ नहीं आ रही। रजिया बीबी इसका मतलब ये है कि ये जराइम पेशा है, आम घरेलू औरत तो इस तरह से कानून को इस्तेमाल करना जानती है, जानती है कानून को। कितने एक इसने मुकदमा दर्ज करवाए अपने ससुरालियों पर? बकौल मुलजिम के कि हमारे भाइयों में से बहनों में से कोई भी नहीं बचा जिस पर पर्चा उसने ना कराया हो, सब पे मुकदमा, सब पे मुकदमा, हैरेसमेंट कही, हैरेसमेंट के कपड़े फाड़ दिए। इन्होंने भी काउंटर कोई मुकदमा दर्ज करा? इनका कोई पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये कहते हैं, जब हम थाने जाते थे तो सूरत हाल ये होती थी कि वो कहते थे कि जी वो तो इस किस्म की औरत है, कार्रवाई करने पे वो परेशान करेगी। तो ये शरीफ लोग थे, शरीफ से मुराद ये कि ये कोई जराइम पेशा फैमिली नहीं है, इतना हमने चेक किया, ये कोई क्रिमिनल फैमिली नहीं है। अच्छा आफ्ताब साहब, एक तो ये मंतक समझ नहीं आती कि अगर वो एक घरेलू खातून थी, उसने किस तरह सबको घर से बाहर निकाल दिया, और ये जो मुकदमा दर्ज करवाते थे अपने ससुरालियों पे, आपने जिस तरह बताया कि ससुरालियों में से कोई एक भी शख्स नहीं था जिसपे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ,
ये किस नौयत के मुकदमात थे और ये क्यों दर्ज करवाए जाते थे? अच्छा, चूँकि जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि केस ये थाना बागबानपुरा कैंट डिवीजन से मुतलका है, हम तो हमने वो चूँकि इसको पकड़ा है, तो मज़ीद जो प्रोब करेंगे कि जो मुकदमे मकतूला ने इनके खिलाफ दर्ज करवाए वो ज़्यादातर तो थाना बागबानपुरा में दर्ज हुए, और जो बकौल मुलज़म के वो ये मुकदमा थे जो हरासमेंट के, औरत पर हमला करने के, 354 के, कपड़े फाड़ के उधर चली जाती थी जिसकी वजह से वो सच्ची हो जाती थी, ये झूठे हो जाते थे। अब इनकी जो दिलचस्पी थी वो उस मकान में सबकी थी क्योंकि मौरूसी मकान था और इनको वो निकाल चुकी थी। लेकिन इससे ये बात फिर साबित होती है, मुलज़म जो ये कह रहे हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट थी, जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, खुद भी करती थी, अपने बेटी से भी करवाती थी और भी लड़कियाँ जो आगे भेजती थी, तो वो फिर इसका मौकिफ सच साबित होता है। अब सच साबित होने के लिए किसी के कहने से कोई चीज़ हकीकत नहीं बन जाती। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं कहूँगा कि जो लोकल पुलिस है वो उसके हवाले से सबका FIR वो सबका रिकॉर्ड चेक कर सकती है। अगर किसी का रिकॉर्ड नहीं है, FIRs नहीं है, अहले महला की कोई शिकायत नहीं है, तो फिर ये महज एक इल्ज़ाम रह जाएगा, इसको हम हकीकत का रंग फिर नहीं दे सकते। ज़ाहिर है वो तो शायद अपने आप को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन कत्ल घर की वजह से हुआ, मकान की वजह से हुआ, ये मेन वजह है। और इसे या इसके दूसरे भाइयों को, घर वालों को उसके जिस्म फरोशी से कोई मसला नहीं था, उस पर कोई एतराज़ नहीं था। असल इनका जो मसला था या लड़ाई थी या जो जड़ थी वो ये थी कि मकान का मामला था या इन सबको घर से निकाल दिया गया था, मकान की वजह से इसने ये कदम उठाया। ये हम इसलिए भी कह सकते हैं कि मुकदमा जब थाना बागबानपुरा में 302 का दर्ज हुआ है तो मुद्दई ने भी मकान के तनाज़े का ही वजह तनाज़ा बयान किए, ठीक है, जो मोटिव पीछे बयान किया है। का भाई मुद्दई जो है वो मकतूला का सगा भाई है, ठीक है। सो इसलिए मकान जो है वो पिवटल रोल है इस सारी वारदात में उसका। मुल्ज़िम के तमाम इल्ज़ामात पर तहकीकात करने के बाद पुलिस का ये मौकिफ था, कत्ल की असल वजह मकान का तनाज़ा था, जिसके नतीजे में मुल्ज़िम जाहिद ने सगे भाई, भाभी और भतीजी को मौत के घाट उतारा। इस केस में मजीद कौन से पसे पर्दा हकायक सामने आना बाकी थे? मुल्ज़िम कत्ल के बाद 2.5 साल तक कहाँ फरार रहा? पुलिस मुल्ज़िम की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई? आइए इस केस के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से इस बारे में जानते हैं। जिस हमने पहले बात की, ये मुकदमा थाना बागबानपुरा में दर्ज होता है तो ये जिम्मेदारी तो बागबानपुरा पुलिस की बनती थी, गालिबा उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, लेकिन ये कामयाबी का सेहरा जाता है समनाबाद पुलिस और जो इन्वेस्टिगेशन विंग है और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है खालिद यकूब गोरसी साहब, इन्होंने अपने अफसरान के कहने पे ये जितने भी इश्तिहारी थे उन पे काम शुरू किया, फिर ये सीरियल किलर इनके हाथ लगता है। ये कामयाबी इन्हें किस तरह से मिलती है, गोरसी साहब से हम थोड़ी सी बात करते हैं। गोरसी साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये कब आपको ऑर्डर्स मिलते हैं और कितनी देर की आपकी वर्किंग थी, कब पता चलता है और कौन बताता है कि ये मुलज़म लाहौर में पाया जा रहा है? जी, मेरे सीनियर अफसरान का हुक्म था कि ये जो संगीन मुकदमात में इश्तिहारी हैं खुसूसन 302, ये इलाका थाना नहीं कि समनाबाद की पकड़ने, ठीक, पूरे लाहौर में, ठीक है, जिस थाने के भी मुझे इश्तिहारी कत्ल के हैं उनको गिरफ्तार करना है। तो मैंने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत की तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। मैंने अपनी टीम के हमरा वर्किंग करके दिन रात मेहनत करके ज़ाहद उर्फ इकबाल उर्फ बाऊ उर्फ मुल्ला को गिरफ्तार किया है और मुतलका थाना जो भगवानपुरा है मज़ीद तफ्तीश के लिए उनके हवाले कर दिया है। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताइएगा, कितनी एक देर आपने वर्किंग की, किस तरह से वर्किंग की, नंबर तो इसका ऑन था वो क्या उसके थ्रू ये पकड़ा गया, या जब ये लाहौर आता है अपने विरासत के मामलात में अपने जायदाद में हिस्सा लेने के लिए तो वहाँ से किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, पता कैसे चला कि ये लाहौर पाया जा रहा है क्योंकि लाहौर से गिरफ़्तार किया आपने? जी, हमारे अपने मुखबर होते हैं, ठीक है, जो हमारी हर ऐसे मुकदमात में मदद करते हैं, ठीक है, तो मुखबर ने भी मदद की है, उसके अलावा जो हम IT से इन्फॉर्मेशन लेते हैं उन पर भी काम किया है और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। बिल्कुल ठीक है, कितने एक दिन से ये लाहौर था? ये 3-4 दिन से लाहौर से, 3-4 दिन से, और ये जा रहा था वापस जा रहा था और आपने लारी अड्डा से इसे पकड़ा? अड्डा से गिरफ्तार। ये अपने उसी घर में था, भाइयों के पास था? जी, ये तो नहीं पता कहाँ कहाँ ये ठहरा है, ठीक है, लेकिन हम काम करते रहे हैं तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी आखिरी दिन। लेकिन भाइयों के साथ या फैमिली के साथ रबते में तो था ये? जी, रबते में था, रबते में था, लेकिन इसकी कंफर्मेशन ये है कि ये वहीं पर रहा है या कहीं और अपने उसी मकान के डिस्प्यूट की वजह से आया है। तो जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हो गया इसका?
इसे कोई जायदाद में हिस्सा मिल गया, इसने को अंगूठे या कोई दस्तखत करने थे, वो मामला हो गया इसका कि नहीं? वो तो हमने इसके साथ डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये पता लगा था कि ये अपने उसी मकान के सिलसिले में हिस्सा लेने के लिए आया था तो बस पकड़ा गया। ठीक है, और अब आपने जो मुतलका थाना है बागबानपुरा उनके हवाले कर लिए। नाजरीन, मुलजिम जाहिद 2009 में भी कत्ल की वारदात अंजाम दे चुका है। इसी जुर्म की पादाश्त में जाहिद को 7 साल तक जेल में रखा गया। इस साधी मुलजिम ने 2.5 साल कबल भाई, भाभी और भतीजी को क्यों मौत के घाट उतारा, आइए मुलजिम से वारदात का मुकम्मल अहवाल जानते हैं। अच्छा, ये मुलजिम जाहिद इसका नाम है, जाहिद इसका असल नाम है जो शनाख्ती कार्ड पे है, लेकिन इसके बेशुमार नाम है। ये पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जब मफरूर था, ये जहाँ जाता था, जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में जाता था, एक नया नाम रख लेता था या लोग इसका एक नया नाम रख लेते थे। ये हमें पता चला था कि इसने ये 3 कत्ल किए, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो इंकशाफ हुआ ये 2009 में भी ये कत्ल कर चुका हुआ है, और शायद इसके अलावा भी बहुत सारी वारदातें हैं जो कि अभी पुलिस रिकॉर्ड चेक कर रही है और इससे मज़ीद तफ्तीश कर रही है। ये कत्ल 2009 वाला और उसके बाद अब जो 2020 में किया है, ये माजरा क्या है, इसने क्यों कत्ल किया है, ज़रा इसकी ज़ुबानी जानते हैं। अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद ये मकान का मामला था, जायदाद का मामला था, लेकिन अंदर की कहानी क्या है, ज़रा हम इससे जानते हैं। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद। जाहिद उम्र कितनी है? तकरीबन 41 साल। अच्छा, शादी अब आके की? जी सर। अभी जब मफरूर थे गुजरात में शादी की? जी सर। किसके साथ शादी की? कोई जानने वाले अजीज हैं? हाँ जी सर, कोई रिश्ता करवाने वाला, रिश्ता करवाया था। रिश्ते करवाने वालों ने करवाया? तो इस शादी में कौन कौन शरीक हुआ था? सर मैं था, एक कुछ दोस्त थे साथ में, उधर गुजरात के लोग थे साथ में। ठीक है, उन सबको पता था कि 3 कत्ल करके आया हुआ? जी सर। उन्हें पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलने दिया इन 2 सालों में गुजरात में कि मैंने 3 कत्ल किए? बिल्कुल अनजान लोग थे, नए लोग थे जिन लोगों में जाके रहते थे? जी सर। अपने रिश्तेदार अजीज नहीं थे? नहीं। रबते में रहे फैमिली के साथ? नहीं सर, काफी देर तक रबते में रहे ना? नहीं सर, एंड में आ गया तकरीबन चंद दिन पहले। हाँ। रबता वहाँ से? नहीं, तुमने अपना नंबर ऑन किया हुआ था ना, अपना वही नंबर चला रहे थे, किसी और शनाख्ती कार्ड पे सिम निकलवाई थी, ऐसे ही? तो ये तो हो नहीं सकता है कि तुम्हें पुराने जो लोग थे जिनके साथ उस नंबर पे रबता में, उन्होंने कॉल ना किया? सर पुराने लोग जब उनके पास नंबर ही नहीं था, नंबर नया था, तो पुराने लोगों के पास नंबर नहीं था, इसलिए पुराने लोगों से रबता? नहीं, वही नंबर नहीं चला रहे थे? नहीं सर, नंबर तब्दील कर लिया हुआ था। अच्छा, पुराना नंबर नहीं चल रहा था, तो अब खुद से रबता किया घर वालों के साथ? जी, मैं इधर अपने भाई की कब्र पे ही आया था, तो इधर के भाई की कब्र पे आए हुए थे? जी जी। किस भाई की? यही जो जिसे कत्ल किया है? जी। इसकी कब्र पे आए हुए थे? जी। इससे पहले भी आते रहे हो 2 सालों में, 2.5 सालों में? जी सर, उससे पहले भी मैं होकर गया हूँ। कितनी दफा? तकरीबन 2-3 मरतबा पहले भी हो गया। उसी भाई को कत्ल किया और उसकी कब्र पे आते रहे हो? सर इस उसकी वजह से ना कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं उसको मारना नहीं गया था। ठीक है। उसके साथ एक खातून जो बगैर निकाह के 6 साल से उसके साथ रह रही थी, उनके साथ एक लड़की भी थी। जी सर, भाभी तो तब होती जब मेरी शादी होती, तो फिर मैं उनको भाभी कहता। निकाह नहीं किया हुआ था? नहीं, बगैर निकाह के 6 साल से वो इकट्ठे रह रहे थे। अच्छा। जिसम फरोशी का काम करते थे, मुझे का काम करते थे। सिर्फ तुम्हें पता ही है, किसी और का भी पता? नहीं, पूरे मोहल्ले को, आप जाके पता, घर वालों को पता। भाई ने जब इससे निकाह, तो चलो तुम कह रहे हो नहीं किया, ये इसे जब घर लेकर आया तो रोका नहीं किसी ने? सर रोका, जिसने भी रोकने की कोशिश की या जिसने किसी को समझाने की कोशिश की या जिसने भी किसी ने पूछा कि आपका निकाह नामा क्या रिलेशन है, तो वो ये बताते कि हमारी शादी है, हमने शादी की हुई है। और जो पूछने जाता था, इवन हमारे सब बहन भाई और मेरे बहनोई तक के ऊपर वो औरतें पर्चा करवा देती थी। कपड़े फाड़ के थाने चले जाते थे। हाँ जी, साथ में हरासमेंट का, हाँ जी, मुकदमा, हरासा करने का मुकदमा हो जाता था। हाँ जी, किसी चीज़ को बहाना बनाकर उसने जो है ना पर्चे करवाने शुरू कर दिए। एक पर्चा करवाया घर से निकल गया, दूसरे पे करवाया वो निकल गई, तीसरे सबको एक एक करके वो निकाल दिया, वो मकान पे काबज हो गई। जो 3 कत्ल किए हैं भाई को, उसकी बीवी को, या बीवी नहीं है उसकी, रखेल कह लें या जो भी कह लें, चले जो भी है, बीवी वो होती है जो निकाह में हो, जायज रिश्ता हो, चले जो भी है, तो भाई, उसकी बीवी और भतीजी तुम्हारी, इन्हें कत्ल क्यों किए? उस दिन वकुआ क्या था, हुआ क्या था? जी, उसने भी उनको यही समझाने के फिर अपनी सेफ्टी के लिए लेकर गया था। पिस्टल कहाँ से लिया था? मेरे होटल में लड़का काम करता था मेरे साथ, कहाँ से लिया था? उसके नाम पे उसका कोई लाइसेंस था या उसने भी इलीगल रखा हुआ था? सर, अनलीगली था उसके पास, अनलीगली था। तो उससे मांग कर लेकर गए थे? जी, मांग कर। क्या बताया था उसे?
यार उसको सारे मामला का पता था कि घर में पता था कि ये इनके मामले उस दिन उसे क्या कह कर गए थे कि मैंने क्या करना है घर जा रहा हूँ छोटे भाई को समझाने के लिए कि यार हमारा जो हिसाब वगैरह बनता है मकान पे काबज हो गया ये कह कर गए थे कि आज मैंने नहीं छोड़ना उन्हें नहीं नहीं ऐसी कोई बात ऐसा नहीं मामला था पहली गोली किसे मारी पर मारी नहीं वो हाथापाई हो गई हम लोग वो गाली गलोज इतनी कर रही थी वो लड़की भी लगी तो हाथापाई के दौरान ही मैंने वो पिस्टल निकाल के ना तो उनको डराया कि यार इंसान बनो कान पकड़ो तू अपने पास खड़े हो गए मरे माँ बाप को उनको भी गालियाँ दिलवा रहे हो हमें भी दिलवा रहे हो हमारा तुम्हारे साथ इस बीबी के साथ रिश्ता नहीं है कोई हम तो तेरे भाई हैं तुम्हारे बाप की लाद है मैं तेरे साथ बात करने आया हूँ अभी मैंने इतनी बात की तो उन्होंने मुझे मारना शुरू किया उसी हाथापाई के चक्कर में वो पिस्टल निकला और मेरे से वो चल गया तो ये तुम्हें कान इख्तियार किसने दिया कि अगर कोई जिस्म फरोशी कर रहा है या धंधा कर रहा है तो तुम जाके उसे कत्ल कर दो ये हक तुम्हें किसने दिया मजहब ने दिया है कानून कहता है शरीयत ने ही हक दिया है माशरा कहता है किसने हक दिया आवाज़ बुलंद कर सकते मैं तो सवाल करता हूँ कि ये बताओ नहीं पहले ये बताओ ये किस शरीयत मतलब में किस कानून में लिखा है कि एक बंदे ने जुर्म नहीं किया हुआ उसके ऊपर 10-10, 20-20 पर्चे डाल दो गलत है अगर ऐसा हुआ एक बंदे ने कत्ल नहीं किया हुआ वो 5 लाख रुपए तफ्तीशी उसे मांग रहा है उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो उस कत्ल का पर्चा उसके ऊपर नॉमिनेट कर दो वो सजा मौत हो जाए ये कौन सी किताब में मुझे एक साथ मादर के साथ वो कौन सी शरीयत में लिखा है कौन से कुरान में लिखा है कौन से फिक्के में लिखा है कौन से दीन में ऐसा लिखा है कैसा करो सही कह रहे हो क्यों हम लोगों को मजबूर किया जाता है कि जो बंदा जुर्म नहीं करना चाहता उसको इस कदर जलील कर दो इस कदर तंग कर दो वो ना चाहते वो जुर्म करे मेरी जिंदगी के 7 साल जाया हुए हैं तो उसका कौन देनदार है गलत हुआ है गलत हुआ है हम तो बात करें इन 3 कत्लों की तुम ये कह रहे हो कि बुनियाद वो बना है वो जो 7 साल तुम्हारे जाया हुए हैं तो वो तुम्हारी जहनी हालत या कैफियत ऐसी होगी थी कि तुमने ये कदम उठा दिया ऐसे ही सर इनकी तो कैफियत हमने आपको बताई कि इनके जायज़ फरोशी जिस्म फरोशी फिर एक बंदा अपने हक के लिए जा रहा है कि यार ये मरे बाप की भी विरासत है ये तुम्हारे अकेले का हक नहीं है जिसका जो जो बनता उसको दो आपने मकान रखना बेशक रख लो जिसका जो जो बनता उसको दे दो अगर तुमने पैसे नहीं दे सकते हो तुम ऐसा करो दीवार कर दो अपने से भी वही सर भी नहीं आ रहे वो मकान में मुकम्मल काबस है वो उल्टा उस बंदे पे जो उधर जाकर समझाता था उसको पढ़ FIR करवाते थे पर्चा कराते ये कौन से कानून में लिखा है कौन सी शरीयत में लिखा है कौन सी हदीस में लिखा है कौन से कुरान में लिखा है एक बंदा कंप्लेन लेके जा रहा मुझे ये प्रॉब्लम सर मेरी सॉल्व की जाए और वो बीबी जो है ना उस अफसर को लेकर कमरे के अंदर जा रही है बाहर निकल रही है आधे घंटे के बाद उसे बाल बिखरे होते हैं तो वही अफसर जो है ना वो सबकी बातों को जुटला कर उसको सच्चा कर रहा है कौन से कानून में लिखा है कौन सी किताब में लिखा है मुझे बताएं किसी कानून में तो फिर हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जाती लेकिन इसका मतलब ये है कि इसे बुनियाद बना के कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो किसी को कत्ल कर दिया नाजरीन आपने देखा एंकर के सवाल पर ये शख्स ऐसे तैश में आया जैसे ये कातिल नहीं बल्कि भाई भाभी समेत 3 अफराद के कत्ल से बरी हो मुलजिम ने अपने दिफा में मजीद कौन से सफेद झूठ बोले और कैसे टीम मुजरिम कौन को धोखा देने की कोशिश की आइए आपको दिखाते हैं आपको किस बात पे एतराज हुआ सर मैं वही आपको बता रहा हूँ कत्ल होता है कंसर्न किया जाए वो कत्ल होता है तुमने कत्ल ही किया आराम से बात करो सर वो आराम से बात करो हौसले से बात करो कत्ल होता है जो बंदा राता तन तसल्ली से सुकून से बात करो सर आपको एक बात बता दी जाती है कि सर ये गलती हुई उनकी बेवकूफियां है ये जो आपने बताई उनके करेक्टर आपको बताया वो सारे गलत है तुमने जो कहा तुम्हें पूरा मौका फराहम किया तुमने कहा जी मेरे पे सारे मुकदमा गलत डालेंगे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने को ये कहा कि तुमने जुर्म किया अब तुम अगर ये कहो कि ये 3 के 3 कत्ल मैंने इत्तफाकन कर दिए तो बात समझ आती है एक तो कत्ल हो गया गलत से पहली गोली चल गई उसके बाद तो मारा है ना शदीद गुस्सा था गुस्सा कह रहे हो अभी भी गुस्सा अभी भी नहीं उतरा तुम्हारा इसलिए मुझे तकलीफ पहुंच रही है कि जब मैं अपनी गलती मान रहा हूं कि मेरे से गलती हुई मेरे से गलती हुई कत्ल कर चुकी हो और उससे पहले भी एक कत्ल कर चुकी हो या उसमें तुम मुलव्वस रहे हो जो भी था नामजद थे 4 खून है तुम्हारे सर पे और तुम पे सवाल भी ना करें तुमसे सवाल भी नहीं बनता कमाली जुर्म किया तुमने चौथा कत्ल आप जो डाल रहे हैं ना चलो उसे छोड़ दो 3 कत्ल तो है ना जी तो तुम पे सवाल नहीं बनता तो बंद रहे आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं एक ही बात को बार-बार किसी कोई मामूली छोटा जुर्म किया है मस्जिद से को लोटा चोरी करके ले गयो कि तुम कहो जी कि मुझे मेरा ट्रायल क्यों हो रहा है 3 कत्ल किए तुमने 3 इंसानी जाने लिए तुमने एक हजार मरतबा भी दोहरा लें वही है एक मरतबा भी दोहरा लें वही है कि तुमने कत्ल किए हैं वही होगी बात वही है ना 1000 दफा अगर दोहरा लेंगे तुमने कत्ल किए हैं गलती से नहीं हुए गलती से हुए सर मेरे से
पशमानी तो तुम्हें है, शर्मिंदगी तो तुम्हें है। तुमने कहा कि मैं इस दौरान आता था और मैं कब्र पे जाता था। भाई कितनी दफ़ा, दो तीन दफ़ा आए हो? चार दफ़ा। और अभी भी कब्र पे आए थे भाई जी, और साथ में ये विरासत वाला मामला। वो कोई अंगूठे को दस्तखत हो गए, तुम्हें जगह में हिस्सा मिल गया? मेरा हिस्सा तो सर जो है ना वो पहले लग चुका हुआ था, तो दूसरे बहन भाइयों का जब बनता था, तो सारी बात सब जो बाकियों का हिस्सा फैमिली मेंबर थे वो सबको सबके साइन होने थे, तो वो बड़ा से मुकम्मल होनी थी। नाजरीन, मुलजिम ने अपने दिफा में बहुत से हीले बहाने तराशे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जाहिद एक आदी मुजरिम है। उसने 2009 में एक शख्स का कत्ल किया। इसके अलावा जाहिद चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। क्या मुलजिम इन तमाम जराइम का एतराफ करता है? आइए आपको दिखाते हैं। 2009 में जेल जाते हो ना जी? पहला कत्ल 2009 में किया था। कितने साल वहाँ पे रहे? किया किराया मुझे मिला, जो रियल बात है किया किराया मिला। वो आजाद, उसमें सजाए मौत हुई थी जी सर? सजाए मौत हुई जी। इसका मतलब ये है कि उस केस में गोलियां तुमने चलाई सर? नहीं, गोलियां मैंने डाली तुम पे गई थी। चलो तुम्हारी बात मान लीजिए, डाली गई ठीक है। तुम कह रहे हो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था और तुम पे उन्होंने गोलियां डाल दी, फायरिंग डाल दी। जब पैसे मेरे से मांग रहे, मैं पैसे देने के काबिल नहीं था। तुम 7 साल उसमें रहे, फिर निकले कैसे बाहर? सर अल्लाह पाक ने बड़ी किया, जब मैंने किया नहीं था तो अल्लाह पाक की रहमत हुई। बड़ी हो गया मैं। जब 7 साल जेल में गुजार के वापस आए तो क्या किया? सर बाहर आके मैंने मजदूरी शुरू की थी, ठीक है। लेडीज पर्स बनते थे, छोटे से बॉडी पर्स कहा जाता है, मैंने वो काम सीखा, ठीक है। काम सीख के मैंने वो घर में काम शुरू किया, घर में घर की सिलाई मशीन लेकर। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई काम कर सकता, घर वालों से मशीन ली, सिलाई मशीन, उसके ऊपर मैंने काम शुरू किया, ठीक है। फिर थोड़े से पैसे मेरे पास हुए थे, फिर मैंने घर में ये भी मामला बन गए आए दिन के मरा के दूसरा कर रहा। अब बीच में जरा जो चोरी के मुकदमात हैं, चोरी के FIR वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये चोरियां कहाँ पे की थी? मोटरसाइकिलें कहाँ पे चोरी करते? सर मैंने एक भी जिंदगी में चोरी नहीं की, और एक भी जिंदगी में डकैती नहीं की। चोरियों के ये राणा नासर साहब थे, उन्होंने मुझे जब ये साहब थे मॉडल टाउन थाने में, उन्होंने मुझे पकड़ा छाक की बना पे, उन्होंने तफ्तीश वक्त की, आईडी कार्ड मांगा था, उसमें मेरी जेब में नहीं था, ठीक है। उन्होंने मेरी तफ्तीश की, कोई चीज़ ना निकलने के बना पे, क्योंकि उन्होंने मेरे बहुत तशद्दुद इसके तरफ किया हुआ था कि मेरे टांगों से हर जगह से जाती या ना था, कोई जाती दुश्मनी थी? ये सारी लाहौर पुलिस, हर थाने की पुलिस, बल्कि पूरे पंजाब की पुलिस, सरगोधे की पुलिस भी, ये सारी तुम्हारे खिलाफ क्यों थी? सर हर जगह पर पैसे मांगे, जगह तुम पे, सब जगह तुम पे ये झूठे मुकदमात हुए, तुम 7-7 साल जेल में रहे, और ये चोरी की 5-6 FIR हैं, ये सारी सारी सुनना, 5-6 सारी FIR जो चोरी की हैं वो सारी झूठी थी। तुमने कुछ भी नहीं किया? मैंने किया होता है, वो पर्चे भी मेरे बड़ी हुए अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी बड़ी हो गया जी। अगर मैंने की होती तो मैं सजा होता। मैं तो कह नहीं रहा तुमने किया कि नहीं किया, मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि सारी पुलिस तुम्हारे खिलाफ क्यों? सर हमारे माशरे का अलमिया है कि सच बोलने पर ना कोई मानता नहीं है, दूसरा अलमिया ये है कि बोलता भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलने वाले हैं लेकिन सुनने वाला नहीं है सर। नाज़रीन, आपने मुलजिम की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी। जाहिद अपने जराइम कबूल करने की बजाय पुलिस तफ्तीश को तनकीद का निशाना बनाता दिखाई देता है। ज्यादातर जराइम पेशा अनासिर जुर्म को अंजाम देने के बाद ऐसे हीले बहाने तराशते हैं। पुलिस की इस केस पर तहकीकात जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर मुआशरे में अपने मुस्बत किरदार का सबूत देगी। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।